बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 लेंसेज, और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे रे डायग्राम्स बनती हैं कन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक हो गया, सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस, और इसके साथ साथ ही डाइवर्जिंग लेंस में कैसे रे डायग्राम्स बनती हैं, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, उसी तरह से यहाँ पे तीन मेन केसेस हैं लाइट रेज विद आर डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तीन तरह की सिचुएशन हो जाती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्रैक्ट द थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस विल रिफ्रैक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइट रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल कीप ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विदाउट बीइंग रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ये तीन केसेस हैं। याद होगा आपको कन्वेक्स लेंस के केस में भी हमने ये तीन केसेस डिस्कस किए थे कि क्या क्या सिचुएशन होगी जब लाइट कहाँ कहाँ से पास करेगी। ठीक है, तो अब मूव करते हैं फर्स्ट केस की तरफ। अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्रैक्ट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब वो लाइट इसमें केस में ये हो रहा है कि देखें, जब लाइट आपके पास पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके पैरेलल जब आपके पास लाइट होगी तो याद रखिएगा कनकेव लेंस से पास करने के बाद लाइट जो है वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक हो गया, याद रखिएगा पहली बात तो ये है कि जब कभी भी लाइट पास करती है कनकेव लेंस में से तो वो इनवर्ड बैंड नहीं होती बल्कि आउटवर्ड बैंड होती है। ठीक है, जब ये आउटवर्ड बैंड होगी यहाँ से यहाँ आपको नज़र आ रहा है तो आप देखेंगे जो इमेजिनेशन जो होगी लाइट की, वो दो अगर हम फोकस करेंगे तो वो कहाँ पे उसकी जो जॉइनिंग हो रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो यहाँ पे हो रही होगी। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट पे। ठीक हो गया, तो इस तरह में होता यह है कि इमेज फॉर्मेशन कनकेव लेंस से पहले बन जाती है, जबकि अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो वहाँ पे हमने देखा था कि लाइट पास होने के बाद इनवर्ड बैंड होगी और बैंड होने के बाद यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी, ऐसे ही था कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जब लाइट आउटवर्ड बैंड होगी तो आउटवर्ड बैंड होने के बाद जब हम इमेजिनेशन ड्रॉ करेंगे कैमरा से जो लेंस है उससे पहले, तो हमें समझ आएगी कि यहाँ पे जो है वो इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इन केस ऑफ कनकेव लेंस। ठीक हो गया, अब सेकंड बात कर लेते हैं। अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस विल रिफ्रैक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइट जो कहाँ से पास कर रही है, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, वो क्या होगा, विल रिफ्रैक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या होगी, पैरेलल जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि वो लाइट जो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है इन केस ऑफ कनकेव लेंस, तो वो क्या होगा, पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जबकि तीसरा केस सेम ही है जैसे कन्वेक्स लेंस के केस में था। ठीक है, कि जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, जो पाथ है उसका पहले होगा वही पाथ फॉलो करके वो आगे डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक हो गया, लोकेटिंग एन इमेज ऑन डाइवर्जिंग लेंस, पिक अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट यूजली द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेंड एनी टू लाइट रेज। अब याद रखिएगा डाइवर्जिंग लेंस के केस में हम कैसे जो है वो रे डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक हो गया, उस ऑब्जेक्ट से आपने दो रेज ऑफ लाइट जो है वो सेंड करनी है। ठीक है, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टेड वे, आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ कहाँ किन किन की फॉर्मेशन होगी। लाइट रेज ओनली रिफ्रैक्ट वन इट हिट्स द लेंजेस। ठीक है, और आपको पता है कि जब कभी भी लाइट रेज सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी, और हाँ अगर वो लेंस के एजेस से पास करेगी तो ऑब्वियसली वो रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, वो बैंड होगी, आउटवर्ड बैंड होगी। ठीक हो गया, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रेज, इफ़ द रेज डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सटेंड द रिफ्रैक्टेड रेज अंटिल दे डू। ठीक है,
अब याद रखिएगा, हमने देखना है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने जो लेंस से लाइट पास कर जाएगी उसको तब तक देखते रहना है, तब तक ड्रॉ करते रहना है जब तक कि वो आपस में ज्वाइन नहीं हो जाती। ठीक हो गया। जैसे कि हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो हमने देखा था कि एक टाइम ऐसा आता था कि जब दोनों लाइट रेज जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाती थी और वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती थी। तो यही चीज़ है कि आप जब एक लाइन को पास करवा रहे हैं, एक लाइट को पास करवा रहे हैं लेंस से और दूसरी लाइट को पास करवा रहे हैं लेंस से, तो याद रखिएगा पास करने के बाद आपने ये चीज़ नोट करनी है कि उनकी इंटरसेक्शन हो रही है कि नहीं। अगर उनकी इंटरसेक्शन नहीं हो रही तो आप उसको थोड़ा सा लाइट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। अगर एक्सटेंड करने से दोबारा से आपको समझ आ रही है कि वो इमेज ज्वाइन नहीं हो रही, पैरेलल है या एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। और अगर वो ज्वाइन हो रही हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। यूज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू लोकेट इट्स इमेज। ठीक हो गया। फर्स्ट आ जाता है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस पेंसिल टू लोकेट इट्स इमेज। अब देखें, 2F और F के दरमियान में है आपके पास इमेज। ठीक हो गया। अब इसकी रे डायग्राम कैसे बनेगी, देखें। पहली रे आपको पता है पैरेलल होती है। ठीक हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जा रही है और पास करने के बाद वो आउटवर्ड रिफ्रैक्ट होगी। जब आउटवर्ड रिफ्रैक्ट होगी तो इमेजिनेशन जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे। समझ गए मेरी बात को। फिर दूसरा आ जाता है, दूसरी रे क्या होगी, दूसरी रे कहाँ से कहाँ जा रही है। दूसरी रे मूव कर रही है यहाँ से, ठीक है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक हो गया। और पास करने के बाद भी वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक हो गया। और ये सेकंड केस आ जाता है जब आपके पास रे टू ट्रेवल्स थ्रू द सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस से ट्रेवल कर रही है एंड रिफ्रैक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और बिल्कुल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ गए मेरी बात को। अब थर्ड रे क्या है, ये ऑप्शनल होती है, जैसे हमने कन्वेक्स लेंस के केस में पढ़ा था, ट्रैवल थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर, वही जो तीन केसेस हमने पढ़े ना, उसको आपने एक साथ ड्रॉ कर देना है। सिंपल सी बात ये है, ट्रैवल थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड कंटिन्यू स्ट्रेट विदाउट बीइंग रिफ्रैक्टेड, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। समझ गए मेरी बात को। अब देखें आपका इमेज कहाँ बनेगा। मैंने कहा था कि जितनी रेज होंगी जहाँ पे वो ज्वाइन होंगी वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे इसलिए होगी क्योंकि यहाँ ये वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे तीनों रेज आपस में ज्वाइन हुई हैं। समझ गए मेरी बात को। एज अ रिजल्ट देखें आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, लेंस से पहले बन रहा है, इन्वर्टेड नहीं बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, अपसाइड डाउन बन रहा है और साथ ही स्मॉल इन साइज है। ठीक हो गया। साइज रिड्यूस है, एटीट्यूड अपराइट है, लोकेशन सेम साइड है जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये वर्चुअल इमेज है। ठीक हो गया। द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल, अपराइट एंड स्मॉलर। ठीक हो गया। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।